शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। पायल, क्या हो गया तुम्हें? मुझे अभय से मिलना है। बताइए ना, क्या बात हुई? मैं उनकी पत्नी हूँ। आपको बता के क्या फायदा होगा जब आपके पति खुद गंजे के नाम पर घर से गायब हो जाते हैं? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, हमारे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो। अरे तुम इतना चिल्ला का आ रहे हो उस पर, हुआ क्या है? हाँ मम्मी। अरे क्या हाँ मम्मी, अरे तुम दोनों पायल को यहाँ से ले गए थे तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? पायल वहाँ है। अरे हाँ भाई, अरे श्रद्धा ने कहा था कि पायल को सीढ़ी उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो उसे अपने मायके ले गई थी। अरे अबे आखिर हो क्या रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? मम्मी हम अभी आ रहे। अरे अबे बताइए ना, क्या कहा मम्मी जी ने, क्या कह रही थी वो? पायल पायल ठीक है? हमारा बच्चा ठीक है ना? हाँ। हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ। सब मेरी गलती है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। हमें अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना हमें छोड़िए, हमें इसी वक्त जाना होगा। हमें छोड़िए छोड़िए, हमें अभी इसी वक्त कुछ नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़े रखूंगा जब तक तुम शांत नहीं हो जाती। हमारा बच्चा शांत नहीं हो जाता। अरे कुछ नहीं, शांत हो जाओ, सब ठीक है, पायल भी ठीक है। बस एक मम्मी है जिसको सबकी फिक्र लगी रहती है, वो ठीक है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, पर हमारे दोनों बच्चे ठीक है? ठीक है। कर और दोनों मम्मी? वो भी ठीक है। पक्का ना? पक्का। अरे तुमने पूरा नहीं बोला। पक्का वाला पक्का। अच्छा दर, हमें हमेशा यही याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, जो भी परेशानी आ जाए, जितना मर्जी मामला बिगड़ जाए, हम हमेशा एक दूसरे से यही पूछेंगे कि दोनों बच्चे ठीक हैं और दोनों मम्मी ठीक हैं। लेकिन अब ऐसे में हम ये तो नहीं भूल सकते ना कि इसकी एक मम्मी पायल भी है। बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि एक मम्मी पायल है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो ठीक है कि नहीं, हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं। बाकी वो जितनी मर्जी चाले चल रहे, अगर हमारा बच्चा ठीक है, वो खुद का ध्यान रख ले, सब ठीक है, वो कुछ भी कर ले, हम दोनों देख लेंगे ना। क्योंकि अगर एक मम्मी पाया लेना तो दूसरी मम्मी श्रद्धा है, और श्रद्धा कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकती। आपको इतना भरोसा है मुझ पर? बहुत ज्यादा भरोसा है, पता है क्यों? क्योंकि किस्मत ने किसी और की किस्मत से छीन कर तुम्हें मेरी लकीरों में लिखा है। और किस्मत से ना मैं बहस नहीं करता। वैसे आपको ऐसे वक्त पे भी मजाक सूझ रहा है? अरे और क्या, तुम अभी तक अपने ये हैंडसम पति को समझ नहीं पाई क्या? मैं कभी भी किसी भी वक्त मजाक कर सकता हूँ, पर अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तुम्हारा ये दिमाग है ना, शांत हो जाए और हम अपना अगला कदम सोच सके, ठीक हो ना? अच्छा अब तो आप मुझे बता दीजिए कि मम्मी जी ने क्या कहा। श्रद्धा पायल घर पहुंच गई है और बहुत खुश है, यानी घर वालों को क्या मनगढ़ंत कहानियां सुना रही होगी। हमें जल्दी से वहां जाना होगा, देखना पड़ेगा वहां चल क्या रहा है। पायल
वहाँ जाने का क्या फायदा हुआ जब श्रद्धा के मम्मी पापा लौटे ही नहीं है। चलो अब तुम एक काम करो, तुम ना अंदर कमरे में जाकर आराम करो, इससे पहले कि तुम्हारी आजादी पे रोक टोक लगा दे सब। जाओ। रुको, बैठो तुम। पायल, तुमने श्रद्धा को कहा था कि तुम्हें सीढ़ी नहीं चढ़नी है, तुम्हें रोक टोक नहीं चाहिए, तो वो तुम्हें अपने मायके ले गई, लेकिन तुम यहाँ हो। अरे आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं आंटी जी, श्रद्धा ने ऐसा क्यों किया? हमारा बच्चा इतने अच्छे घर में पैदा हो रहा है और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? पायल, तुम ये कहना चाहती हो कि श्रद्धा हमसे झूठ बोल रही है? ये मन बुद्धि, सारी पंचायत आज ही करनी है इनको। पायल, तुमने कोई लड़ाई बड़ाई कर ली है क्या उनसे? इतने चुपचाप यहाँ क्यों बैठी हो? आखिर क्या छुपा रही हो तुम हमसे? अरे बोलो भी। कुछ नहीं आंटी जी, हम थोड़ा थक गए हैं, अपने कमरे में आराम करने चाहते हैं। हाँ ठीक है, जाओ आराम से जाओ, आराम से। तनुजा भाभी, हम बता रहे, जरूर ये बच्चे कुछ ऐसा कर रहे जिससे हमारे सर पर पहाड़ जरूर गिरेगा, देखिएगा। कितने अजीब है इस घर में सब लोग, हमारी जिंदगी को जी का जंजाल बना के रखा हुआ है। कभी कहते यहां जाओ, कभी कहते वहां जाओ, अरे अपनी अम्मा को लेके चल जाओ। चलो हमारे कहने तो सही सलामत है, बस इसकी ही चिंता थी हमें। क्या कर रही थी तुम? गिर जाती तो चोट लग जाती तुम्हें या बच्चे को? तो ऐसा क्या खास है इसमें जिसके लिए तुमने इतना बड़ा जोखिम उठा दिया? आप नहीं समझेंगे अभय जी, कभी कभी कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं इंसान के लिए, उन्हीं चीजों। हाँ वही पूछ रहा पायल, इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हें होश ही नहीं रहा किसी दूसरी चीज का? वो हमारे पापा जाने से पहले
आखिरी बार ये सामान देकर गए थे। और पता है सामान हमारे लिए पूरी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है ये। बस इसलिए हम इसे यहाँ लेने आए थे। लेकिन पायल, तुम्हारा सारा सामान इसी घर में और बिल्कुल सुरक्षित है, तो फिर तुमको ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने आने वाले बच्चे के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? उसे अगर कुछ हो गया होता तो? श्वेता, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात यह है कि बुरी बराती टल गई। तुम ठीक हो ना पायल? हाँ, हम ठीक है। श्रद्धा, हमें माफ कर दो। हम आप दोनों की और चिंता नहीं बढ़ाना चाहते। पता है श्रद्धा, जब तुम अपने मायके लेकर हमें गई थी, वहां जब तुम्हारे चेहरे की खुशी देखी तो हमें अपने घर की याद आ गई, अपने पापा की याद आ गई। हमें बस वही महसूस करने हम यहाँ आ गए थे। अब जो हुआ सो हुआ पायल, लेकिन आगे से याद रहे ऐसी लापरवाही वापस नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये तुम्हारा भी आखिरी महीना चल रहा है, अब हर चीज पे ज्यादा ध्यान देना होगा तुम्हें, ठीक है? जी, अब से हम अपना ख्याल रखेंगे। हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये आप सबके लिए कितना जरूरी है। अगर आप बुरा ना माने तो हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, और फिर आराम से आते हैं आप दोनों के पास। बहुत होशियार समझते हो ना तुम दोनों खुद को। अब तुम कोई कदम उठाओगे उससे पहले हम अपना काम पूरा कर लेंगे। बेवकूफ, खुद हमें अपने घर लेकर गए। हाँ, अब तो उसके मायके में ना उसका घर का कुछ सामान बचेगा, ना सोना, और तुम्हारा बच्चा भी हम ले जाएंगे। हमें अपने साथ अकेले ले जाने का जोखिम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा श्रद्धा। अरे जोखिम नहीं होता है क्या बच्चे के लिए ऐसे बार बार आने जाने में? लेकिन नहीं, यहाँ तो हमें सब बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। वैसे भी यहाँ तो हमें कोई पूछता ही नहीं है, सब हमें बताते ही रहते हैं, और कई बार तो वो भी नहीं। श्रद्धा, हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तनुजा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ये वक्त तुम दोनों को आराम करने का है, और तुम दोनों हो कि यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करना चाहती हो। अरे जहाँ पूरा परिवार है तुम लोगों का ध्यान रखने के लिए, वहां तुम लोगों को रहना नहीं, और तुम दोनों को अपनी पतंग अलग ही उड़ानी है। क्या करे अगर तुम दोनों में से किसी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो हमें वक्त लगेगा वहां दौड़ कर आने में। अरे हमारे तो घुटने भी उतना ही साथ देते जितना कीर्ति वरुण का देती है। बस हमें कुछ नहीं सुनना,
चाहे कोई भी वजह, तुम तीनों कहीं नहीं जा रहे हो, बस। कीजिएगा आंटी जी, हम जानते हैं कि हम इस घर के कुछ भी नहीं लगते, लेकिन इस घर का एक बच्चा हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए हम यही कहेंगे कि हम अभय और श्रद्धा के साथ हैं। हमने ये दोनों को ये भी बताया कि जब अभय और श्रद्धा हमें अपने घर लेकर गए तो हमें भी अपने घर की याद आने लगी थी। हमें अपने घर में कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं, और जब हम वहां गए तो हमें वहां बहुत शांति मिली, बहुत सुकून था वहां पर। अब समझ में आया श्रद्धा, तुम हमें वहां क्यों लेकर गई थी? इस माँ वाले एहसास के लिए ना। माफ करना पायल, हम तुमको कितना भी ताक ले मगर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ना वो माँ वाला एहसास कभी हमें आता ही नहीं। आंटी जी, हाँ मतलब बुआ जी, हाँ वो एहसास आपको आना जरूरी नहीं है, वो एहसास हमें होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ तो हम बनने वाले हैं ना। आंटी जी, बदलाव कभी कभी बहुत अच्छा होता है, चाहे वो जगह का हो, हवा पानी का हो, माहौल का हो। माहौल बदलेगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आंटी जी। ठीक है, तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी है ना, तो मत सुन। वैसे भी इस घर में हमें सुनता ही कौन है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आपकी बात कभी नहीं टालती, पर जब तक पाए यहाँ है मुझे कियारा और आप सबके लिए बहुत डर लगा रहेगा, इसलिए अभी जाना जरूरी है। फिर से अपना पूरा टॉय आपने इधर उधर फेंक दिया है, क्या हम दिन भर यही करते रहे? हम रो क्यों रही हो? दिन रात ना बस आपको गोदी ही चाहिए हमेशा। क्या क्या कर दिया? हमारे कपड़े खराब कर दिए और क्या, दिन भर में 4 बार हमें कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। लीजिए पकड़िए कियारा को। अरे कीर्ति, मैं अभी कैसे पकड़ सकता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, रेडियो में मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। वरुण जी, आपकी सैलरी कब आएगी? सारा का सारा सामान खत्म हो गया है, इसके लिए सामान मंगाना है, कब से इंतजार कर रहे हैं? बाबा आज आज पक्का सैलरी मिल जाएगी, मैं आज ले आऊंगा। इतना सारा काम करते दिन रात आप काम ही करते रहते हैं, सैलरी आपको क्या ही मिलती है? आज आपको सैलरी मिलेगी, आप हमारे हाथ में लाकर पैसे रखेंगे, ठीक है? नहीं ठीक है, पक्का आज सैलरी आ जाएगी। क्या आप सुनिए तो, कोई हमसे तो पूछ ही नहीं रहा कि हमें भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों रो रहे हो? अच्छा पायल,
कुछ चाहिए तुम्हें? चाहिए तो हमें बहुत कुछ अपने जिंदगी से, पर तुम किस चीज की बात कर रही हो? मैं तो फिलहाल तुमसे ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हें रसोई से कुछ चाहिए तो वो मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ, या फिर तुम्हें कुछ खास खाने का मन है तो बता दो। जब इतना पूछ ही रही हो तो हमें ठंडा पीने का बहुत मन हो रहा है। अरे क्या कमाल की बात की है पायल तुमने, तुम्हें पता मेरा भी बहुत टाइम से मन कर रहा था। वो सबसे ज्यादा खुशी की बात पता क्या है? क्या? मेरा ना तुम्हारे हाथ की बनी खास शरबत पीने का मन कर रहा है। प्लीज पिला दो ना। ठीक है। क्या किया आपने अभय? उसे कहां पर क्यों लगा दिया? हाँ तो वो नहीं जाती तो तुम जाती, ऐसे भी मैम तो ना बैठ के फरमाइशें करती रहती है, शरबत बना लेगी, हाथ नहीं घिस जाएंगे उसके। अच्छा बाबा सॉरी, कुछ नहीं बोलूंगी आपको अभी। वैसे आप मुझे ये बताइए, आपने कपड़े भी नहीं बदले, कितना सारा काम बाकी है, यहाँ बैठ के आप ठंडा पियेंगे? मीटिंग पर नहीं जाना है आपको? श्रद्धा जाना तो है, पर तुम्हें अकेला छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बुआ जी की भाषा में बोलू ना, ये जहरीली नागिन तुम्हें डस ना ले। सुनने की वो धीरे बोलू। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरी पूरी नजर रखूंगी उस पर, ठीक है? वैसे अभय, अभी हमारे लिए काम मिलना बहुत जरूरी है, कितने सारे लोगों के पैसे देने हैं, कितने कर्जे चुकाने हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नजर रखूंगी ना उस पर। पक्का? पक्का वाला पक्का। वैसे अगर बुआ जी की भाषा में कहा जाए ना तो हम बोलेंगे तो बोलोगे कि श्रद्धा बहुत बोलती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं नजर रखूंगी उस सहरीली नागिन पे। अब हुआ ना आपको मुझ पर भरोसा? मुझसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। जाइए, आपको देर हो रही है। अरे अभय जी कहाँ गए? उनके लिए शरबत? अरे वो अभय जल्दी चले गए, उन्हें कुछ काम था, उनकी आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है ना, इसीलिए। वैसे तुम लोगों की बात सुनकर ना मेरा भी शरबत पीने का बहुत मन कर गया। रख दो ना इसे, मैं पी लूंगी आराम से। श्रद्धा, हम कीर्ति के रूम में जाकर आराम कर ले क्या? नहीं नहीं पायल, कीर्ति को पसंद नहीं है, उसके कमरे को कोई और इस्तेमाल करे तो। तुम वही वाला कमरा इस्तेमाल करो ना। वो कमरा कितना छोटा है, मैं ठीक से पैर भी नहीं फैला सकती वहाँ पर, और तो और हमें वहाँ बहुत घुटन होती है, हम नहीं रह सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, वहाँ अगर घुटन होती है तो रहने दो, वहाँ मत जाओ। तुम एक काम करो, तुम कीर्ति का ही कमरा इस्तेमाल कर लो। मैं भूल गया। भूल गया? वरुण जी, हमने आपको दो बार मैसेज किया है और एक बार कॉल भी किया है, आप कैसे भूल सकते हैं? कीर्ति वो आप माफ भी कर दो ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, एक कप चाय बना दो। को चाय पीना है, प्लीज इनके लिए चाय बना दीजिए ना। ठीक है, आप इन्हें संभालिए। ओ ले ले ले, बस 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 बस। जब से श्रद्धा गई है ना, ऐसे ही रोती रहती है, उनके बिना सोती ही नहीं है, ऐसे ही रोती रहती है। चाय बनाते हैं। माँ, एक कप हमारे लिए भी।
ठीक है। ये क्या तरीका है कीर्ति? मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा था, तू मम्मी को क्यों परेशान कर रही है? माँ को हम क्यों परेशान करेंगे, चाय हमेशा वही बनाती है। आप ये सब छोड़िए, हमारे सवाल का ना जवाब दीजिए पहले। वो पैसे पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? हमें लग ही रहा था कि आपका ना फिर से किसी के साथ चक्कर चल रहा है, हमने उसी पे सारे पैसे उड़ा रहे हैं। छोड़िए हमें, आप रहने दीजिए। अरे तो ये कीर्ति मेरी बात सुनो, हमें पता है, अरे आपकी तो आदत ही हो गई है। देने के लिए कंपनी में पैसे भी तो होने चाहिए। कंपनी में बिल्कुल भी पैसे नहीं। श्रद्धा और अभय दो बच्चों का खर्चा उठा रहे, ऊपर से वो पायल, उसकी मांगे कमी नहीं होती। सच में उन दोनों के पास बिल्कुल पैसे नहीं मुझे सैलरी देने के लिए। वरुण जी प्यारे को संभालिए, ले लीजिए, खेलिए इसके साथ, हम चाय लेकर आते हैं। आप चाहिए की वजह से ना हमारे घर में कमी होने लगी, दीदू से बात करनी होगी, उड़ेंगे नहीं हम। जल्दी से खाना लगा देती हूँ। अरे ये बाहर का खाना, एक पल के लिए भी ना इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना यही सब गंदा खाना खिलाते रहेगी हमारे बच्चे। लेकिन इसीलिए तो हूं मैं यहां पर, इस पर नजर रखने के लिए। इस पायल के चटोरेपन के कारण ही ना हमारे बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभय आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर हमारे बच्चे की माँ, हमारे बच्चे को अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए। अरे पायल आ गई तुम, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आ रही थी। ये नहीं है हमारा खाना। अरे यही तो है तुम्हारा खाना, ये लो खा लो। श्रद्धा ये नहीं है, आज हमने अपना खाना बाहर से मंगवाया है, बस अभी आता ही होगा। अरे ये वही है पायल, मैंने बस इसे प्लेट में परोस दिया। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे उस वक्त पूछा तो था कि अगर तुम्हें कुछ खास खाने का मन है तो तुम मुझे बता दो, मैं वो बना दूंगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जब तुमने खाना बाहर से ऑर्डर किया है तो यही खाना खा लो। खा लो।
कुछ और खाने को नहीं है इस घर में, वरना ये थाली इसी के सर पर पलट देते। मेरे रहते मैं तुम्हें अपने बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अरे तुम यहां से खड़ी क्यों? जाओ ना, आराम से बैठ के खाना खा लो। अरे कीर्ति, तू कितने दिनों के बाद आई है? पता है, मैं भी तुझे ही याद कर रही थी। आना, अंदर आना कीर्ति। आजा, बैठ, बातें करते हैं। बैठ दीदू। नहीं बैठना हमें। दीदू पता है आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? क्या बातें ना बहुत अच्छी अच्छी करती हैं, पर उन बातों का असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। जब आपको हमारी मदद करनी ही नहीं है तो क्यों याद कर रही थी? ऐसे क्यों बातें कर रही है? ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया तेरे लिए, बता दो। दीदू अगर आपको थोड़ी भी हमारी फिक्र होती ना, थोड़ी भी चिंता होती तो आप ख्याल रखती हमारा। आपको पता है हमारे और कियारा की महीने के खर्चे कितने? उल्टा हमारी मदद करने की जगह आप वरुण जी को सैलरी नहीं दे रही हैं। कितनी परेशानी हो रही है हमें, और वरुण जी रिश्ते का लिहाज रख के आपको कुछ कह नहीं रहे। पर इन सब में किसको सहना पड़ता है? किसको दीदू? हमें। देख कीर्ति, मैं जानती हूं इस बात को। इस बार हिसाब में बहुत गड़बड़ी हो गई है। कई सारे लोगों के पैसे नहीं दे पाए हैं, पर जानती है क्या, सबसे अच्छी बात यह हुई है कि हमारी एक बहुत अच्छे क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई है। सब कुछ बहुत अच्छा गया है, और जैसे ही उस काम के पैसे आ जाते हैं ना, सबसे पहले सैलरी हम वरुण जी को देंगे। अब तो खुश है ना तू? सब कुछ ठीक होगा जल्दी। आप कह रही हैं तो जैसे तैसे थोड़ा और वक्त निकाल लेते, पर आपको पता है ना कि ये पैसे की तंगी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। गुस्सा आता है हमें। एक वक्त था वरुण जी के पास कितने सारे पैसे होते थे, और अब तो उनके सैलरी के लिए वेट करना पड़ता है। हम ना परेशान हो गए, हमसे ना ये सब नहीं झेला जा रहा। देखिए तो जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सब में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ऐसे मुश्किल घड़ी में तू और वरुण जी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और अब तो तुम्हारे पास नन्ही सी प्यारी सी कियारा भी है। बस करिए दीदू। तू समझने की कोशिश कर कीर्ति, मैं किन मुसीबतों में घिरी हुई हूँ। हमारी चीजें अगर वो बिना हमसे पूछे इस्तेमाल करेगी ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले बता रहे, तूने पायल को कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया है ना? गुस्से में आकर कुछ भी तो नहीं कहा है ना तू उसे? हम पे खराब मेकअप लगाया कीर्ति ने, तो उसका भुगतान कौन करेगी? कीर्ति की बेटी। ये खराब दूध पी, इस घर का कोई वारिस बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा बच्चा। चल रुकेंगे। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।